माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आज जो हमने अपने फील्ड में इतने सालों से, जो 12-15 सालों से जो काम किया, उस काम को देखते हुए हमें आज उत्तराखंड गेम चेंजर का अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी चाहने वालों से और अपने सभी सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग का जो सपोर्ट रहा है वो अद्भुत रहा है। 2009 में हमने कोचिंग का स्टार्ट किया था, ये मेडिकल के क्षेत्र में और बोर्ड के क्षेत्र में। एक बहुत अच्छा कोचिंग हमारा देहरादून का फेमस कोचिंग में ये अपना नाम अपना जो है वो बनाया। उसके बाद हमने जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करी। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करी तो इंडिया के हर कोने से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, कर्नाटका का बच्चा हो, तेलंगाना का बच्चा हो, बिहार, यूपी, राजस्थान का बच्चा हो, मतलब इंडिया के हर कोने से बच्चा जो है वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ। और हमने इंडिया के लगभग लगभग सारे गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज में जो है वो अपने बच्चे का दाखिला कराया। तो ये जो मेरा इतने साल का अनुभव और आप पेरेंट्स का जो विश्वास रहा, उसी विश्वास के बदौलत आज हम बहुत अच्छा कर पाए हैं और हमें फाइनली गेम चेंजर ऑफ उत्तराखंड का अवार्ड से नवाजा गया है। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी बच्चों का और आप सभी पेरेंट्स का जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर आईपीएस एडीजी अमित सिन्हा जी, आदरणीय अमित सिन्हा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अमित सिन्हा जी विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण 1997 बैच के आईपीएस हैं। द ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती एज वी एम्बार्क ऑन दिस ऑस्पिशियस जर्नी। क्लासेस जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर चंद्रहास कुमार जी का। एसएससी क्लासेस 2009 में देहरादून में नीट और बोर्ड के लिए बेस्ट संस्थान के रूप में जाना जाता है। समय बदला, तकनीकी बदली, लेकिन एसएससी क्लासेस ने हर परिस्थिति, हर हालात में स्वयं को सिद्ध किया। फाउंडर डायरेक्टर चंद्रहास सर का मार्गदर्शन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पा गुप्ता की कड़ी मेहनत का परिणाम है एसएससी का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। एक बार जोरदार तालियां और अभिनंदन मिस्टर चंद्रहास कुमार जी, फाउंडर डायरेक्टर एसएससी क्लास। और आज इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे आईपीएस, जो बिहार के 1997 बैच के जो आईपीएस हैं और उत्तराखंड के जो हैं, वो बहुत सारे आधिकारिक चीज़ों को वो देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतना इनक्रेज किया कि आपके वजह से इतने सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा पा रहे हैं। आप काफ़ी सारे सपोर्ट बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेजने में कर रहे हो, आपका टीम का सपोर्ट और आपकी कड़ी मेहनत और सभी मेडिकल कॉलेज के आपकी जानकारी को देखते हुए उन्होंने जो तारीफ करी वो बहुत अच्छा लगा सुन के। और होप्स हो कि आप लोग ऐसे ही हम पे विश्वास बनाए रखेंगे। और बहुत बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग काउंसलिंग के फील्ड में इसका एक और बृहद स्केल पे इस चीज़ को लाने जा रहे हैं, जहाँ पे पूरे इंडिया में, बड़े बड़े शहरों में भी हो सकता आने वाले टाइम में हम अपना ऑफिस खोलें, जहाँ से लोगों को सुविधा मिल सके ऑफलाइन काउंसलिंग का भी। अभी चूंकि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि इंडिया का हर बच्चा हमारे साथ जुड़े, इसीलिए हमने 50,000 जो ऑफलाइन काउंसलिंग का हमारा पैकेज होता था वो हटा के सिर्फ हम लोग 6,000 में इंडिया के हर बच्चों को जो है वो काउंसिल करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजने का जो हमारा सपना है उसको पूरा कर रहे हैं, ताकि एक मिनिमम कॉस्ट में हर पेरेंट्स हमारे साथ अपने बच्चे की काउंसलिंग करा सके, अपने बच्चे के लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग बना सके। और जो बच्चे मेडिकल की तैयारी हमारे साथ ऑफलाइन कर रहे हैं, वो भी बच्चे यहाँ पे देहरादून में तैयारी कर सकें। तो ऑफलाइन का भी हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम हमने रखा है, ताकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चे को बढ़ने का अधिकार है। आप डॉक्टर बनिए, देश की सेवा करिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का सहयोग देके। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें गेम चेंजर ऑफ उत्तराखंड का अवार्ड दिया गया।